गैस शाहरुख खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 2023 में रिकॉर्ड बना दिया। गैस पठान मूवी को लेकर इस समय शाहरुख खान की चर्चा पूरी दुनिया में हो ही रही है, पर DDLJ को लेकर एक ऐसी न्यूज आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है। यह राज और सिमरन की बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है। आज भी यह फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है और दर्शक इसे पसंद भी करते हैं। इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस हो गए, तो वहीं इसी फिल्म के बाद शाहरुख और काजोल की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और यह जोड़ी आज भी दर्शकों को खूब पसंद आती है। यह फिल्म को रिलीज हुए 28 साल का समय बीत चुका है, लेकिन राज और सिमरन आज भी फैंस की पहली पसंद हैं। दरअसल वैलेंटाइन डे के खास वीक पर कुछ रोमांटिक फिल्मों को दोबारा रिलीज किया गया, जिनमें से DDLJ भी शामिल है। इस फिल्म को 10 फरवरी को नेशनल मल्टीप्लेक्स जैसे PVR, INX और साइनपोलिस में फिर से रिलीज करने का फैसला किया गया और 6 दिनों में DDLJ मूवी ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाहरुख खान की फिल्म DDLJ को मुंबई, पुणे, लखनऊ, नोएडा जैसे बड़े 37 शहरों में दोबारा रिलीज किया गया और DDLJ ने पहले दिन 2.5 लाख की कमाई की और दूसरे दिन 10 लाख की कमाई की और यह फिल्म 6 दिनों तक सिनेमा घरों में लगी रही। इस फिल्म ने 6 दिनों में करीब 60 लाख रुपए की कमाई की है, मतलब 28 साल बाद भी शाहरुख खान की DDLJ फिल्म कमाई पे कमाई कर रही है। तो गाइज इसीलिए शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस माना जाता है। तो यार आप लोगों को शाहरुख खान की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे फिल्म इंडस्ट्री की सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।